हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेमिनार में। दोस्तों ये हवाई का फोन है, चलिए इसका मॉडल देख लेते हैं। इसमें FRP लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है। चलिए इसका गूगल अकाउंट पर देखिए, TITAL00 देखिए दोस्तों, TITAL00 जो है इसका मॉडल नंबर है। इसमें FRP लगा हुआ है, गूगल अकाउंट लगा हुआ है, तो चलिए इसका गूगल अकाउंट बाईपास कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ से इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम जो है अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ से एग्री करेंगे। ये देखिए हमने वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, पहले से ही कनेक्ट कर रखा है। तो चलिए चेकिंग इन्फो पे हम जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा जो है गूगल अकाउंट मांग रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिए स्पेस वाले बटन को हम थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे दोस्तों, उसके बाद एकदम ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ डाउनलोड लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड लैंग्वेज, और यहाँ पे किसी भी बटन पे, किसी भी मतलब शब्द पे हम कुछ देर प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद हमारा जो है सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से हम सर्च वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम जो है क्रोम ओपन कर लेंगे। चलिए हम यहाँ से क्रोम ओपन कर लेते हैं। एक्सेप्ट नो थैंक्स यहाँ पर क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पे एक छोटा सा ऐप्स लोड करना, यहाँ पे हमें क्विक शॉर्टकट मेकर APK जो है डाउनलोड करना है। तो चलिए क्विक शॉर्टकट मेकर APK डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से। क्विक शॉर्टकट मेकर APK यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए यहाँ से क्विक शॉर्टकट मेकर APK जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से देखिए ओके कर देंगे, ये हमारा जो है डाउनलोडिंग होने लगा है। अब हमें एक दूसरा ऐप लोड करना है, गूगल अकाउंट मैनेजर। देखिए चलिए गूगल अकाउंट मैनेजर, तो यहाँ से गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 गूगल अकाउंट मैनेजर को हम यहाँ से जो है डाउनलोड करेंगे दोस्तों सबसे पहले। तो चलिए गूगल अकाउंट मैनेजर 5.1 को यहाँ से इंस्टॉल जो है डाउनलोड कर लेते हैं, सॉरी यहाँ देखिए ओके कर देंगे, और ये देखिए हमारा जो है डाउनलोड होने लगा है। अब यहाँ पे हम दोस्तों 3 डॉट पे जाएंगे, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ गया, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर को हम जो है सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। चलिए इंस्टॉल हो गया है, उसके बाद बैक जाएंगे। चलिए दोस्तों यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं फाइल या फाइल, यस फाइल्स, यहाँ से क्लिक कर लेंगे। उसके बाद APK पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टॉल, इंस्टॉल पे नहीं जाना है हमें, ये तो इंस्टॉल है। क्विक शॉर्टकट मेकर चलिए बैक करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऐप्स पे जाएंगे। ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए क्विक शॉर्टकट मेकर, गूगल अकाउंट मैनेजर हमने जो है इंस्टॉल कर ले दिया है। अब क्विक शॉर्टकट मेकर APK जो है इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ गया, चलिए यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट मैनेजर में जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे टाइप जीमेल एंड पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करके ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर हमें अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डालना है, जो भी हमें जीमेल आईडी और पासवर्ड पता हो। तो चलिए यहाँ पर अपना जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इसको ओके कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से जीमेल आईडी पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर दिया हमने इसको, उसके बाद बैक जाएंगे। हाँ, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से भी इसको नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। इस तरीके से जो है अपने जो है हवाई TITAL00 का जो है FRP बाईपास करेंगे दोस्तों, बिना कंप्यूटर, बिना लैपटॉप के दोस्तों, और बिना सॉफ्टवेयर के। यदि हम अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं, अपना मोबाइल को फॉर्मेट किए हैं, तो हमारा जो है जीमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरीके से अपना जो है जीमेल आईडी और पासवर्ड को जो है हम रिमूव करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। फिर ये देखिए वाईफाई कनेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे,
चलिए अपने फ़ोन को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं, इस तरीके से नहीं हो रहा था तो चलिए अपने फ़ोन को हम रीस्टार्ट कर लेंगे। ये हमारा फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट में होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अपना जो है जीमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब आपका ओके हो जाएगा तो जो है फ़ोन को अपने रीस्टार्ट कर लेंगे दोस्तों। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो है नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए दोस्तों ये देखिए एंड्रॉइड इज स्टार्टिंग, इस तरीके से जो है हमारा जो है गूगल अकाउंट बाईपास हो गया, इसका FRP बाईपास हो गया दोस्तों। ये देखिए कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।